लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम मुझे दादी कब बना रही हो? असद मेरा बड़ा बेटा है, कितने अरमान है उसकी औलाद को अपनी गोद में खिलाने के। अपनी बूटी तकदीर हूं मैं, तकदीरन तकदीरन। मुबारक हो मामा, बहुत बहुत मुबारक हो। भाभी को मेरी तरफ से बहुत प्यार दीजिएगा और मुबारकबाद भी। अच्छा सुने, मैं आऊंगी आपसे मिलने, मेरा बहुत दिल कर रहा है आपसे मिलने का, ओके? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ बेटा, क्यों नहीं, अपने घर की सहूलत दे के, अपनी सास का मिजाज दे के असद के साथ आ जाना। मामा मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ, ओके? अल्लाह हाफिज़। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़। मैं फिर से फूफो बनने वाली हूँ, मामा से भी यही बात हो रही थी। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो, दोबारा से फूफी बनने वाली हो। अल्लाह ने चाहा तो साथ खैरियत से ताई अम्मा भी बन जाओगी। लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम मुझे दादी कब बना रही हो? असद मेरा बड़ा बेटा है, कितने अरमान है उसकी औलाद को अपनी गोद में खिलाने के। मुझे तो लगता है कि मेरे सारे अरमानों पर पानी फेरने पर तुली हो तुम। बीबी कितने साल हो गए, अब तो बता दो मुझे, कब सुना रही हो खुशखबरी? लड़कियां परेशान होती हैं, डॉक्टरों के अस्पताल के चक्कर लगाती हैं, लेकिन तुम्हारा तो इत्मीनान ही खत्म नहीं हो रहा। इस भूल में मत रहना कि असद और जुबैर को अपने काबू में कर लोगी तो अपनी इस खामी पर पर्दा डाल लोगी तुम। खामी? आंटी मैंने तो सारे टेस्ट करवाए, डॉक्टर्स कह रहे हैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं नहीं आती इन बातों में, मेरी तसल्ली तब होगी जब तुम मुझे दादी बनने की खुशखबरी सुनाओगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उर्वा हुसैन। सब्सक्राइब टू द ARY डिजिटल यूट्यूब चैनल फॉर मोर एंटरटेनिंग कॉन्टेंट।